हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो आप सबकी दुआ से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सभी के लिए आज मैं लेकर आ गई हूँ बहुत ही अमेजिंग, डिलीशियस और बिल्कुल क्विक बनने वाली स्नैक्स रेसिपी, वो भी झटपट घर के सामान से, बहुत ही आसानी से। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए हम अपनी आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस पे रख लिया है पैन, उसमें डाल लेती हूँ लगभग आधा लीटर पानी। गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। लगभग मैंने यहाँ पर 3 से 4 आलूओं का इस्तेमाल किया है। आलूओं को मैंने लगभग, जैसे हम सब्ज़ी में कट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सब्ज़ी में जिस तरह से कट करते हैं उसी तरह से मैंने कट किया है आलूओं को। और आलूओं को डालने के बाद हमें इंतज़ार करना है इसमें उबाल आने का। तो यहाँ पर मैंने लगभग सारे आलूओं को डाल दिया है और यहाँ पर जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारे आलूओं में उबाल आ चुका है। अब हमें इसे लगभग तब तक के कुक करना है जब तक कि जो हमारे आलू हैं वो सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पर मैं चम्मच की मदद से चेक कर लेती हूँ कि आलू मेरे कितने सॉफ्ट हुए हैं। तो यहाँ पर लगभग 70% मेरे आलू अच्छे से कुक हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए इन्हें मैं छान लेती हूँ। दोबारा से मैंने गैस पे पैन रख लिया है, इस पर डाल लिया लगभग 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। अगर आप चाहें तो फॉर्च्यून या अदर कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। गर्म तेल में ही अब मैं डाल देती हूँ आलू। जिन आलूओं को भी हमने बॉईल किया था उन्हें डाल लेना है और थोड़ा सा दूर से ही हमें आलूओं को डालना है ताकि हाथ वगैरह जले नहीं और छीट भी नहीं आए। और फ्लेम को हमें यहाँ पर मीडियम कर देना है। तो चलिए सारे आलूओं को अब हम गोल्डन सा फ्राई कर लेते हैं। और इन्हें हमें बीच बीच में चलाते रहना है चम्मच की मदद से, या पैन को आप हल्के हाथ से हिला भी सकते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो हमारे आलू हैं वो हल्के से गोल्डन फ्राई होना शुरू हो गया है। तो चलिए इन्हें हम हल्के हाथ से मिक्स भी करते रहें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे लगभग आलू सारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। एक बार हल्के हाथ से हमें पैन को चलाना है। अब इन सारे आलूओं को डाल लेना है बोल में, लेकिन थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही हमें इसे डालना है बोल में। और इसी के साथ अब मैं डाल देती हूँ लगभग 2 मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज। मैंने प्याज को बारीक चॉप कर लिया है और इसी के साथ मैं डाली हूँ लगभग 2 मीडियम साइज के बारीक चॉप किए हुए टमाटर। यहाँ पर मैं डाली हूँ लगभग हाफ जो पैक होता है मैगी मसाले का, उसे हाफ इस्तेमाल किया। अगर आप चाहें ज़्यादा स्पाइसी या चटपटा खाना पसंद करते हैं तो आप पूरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ लगभग 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। नमक आप सभी को अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करना है। इसी के साथ मैं अब इसमें डाल देती हूँ लगभग 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, लगभग 1/2 नींबू का रस। और इन सब को डालने के बाद चम्मच की मदद से मैं अच्छे से चाट को मिक्स करना है और इसे अपनी मनपसंद किसी भी प्लेट में आप सर्व कर सकते हैं। फिर
आप देख सकते हैं हमारी ये बॉयल आलूओं की मज़ेदार चटपट चाट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर से आपको सर्विंग के मतलब तौर पर ऊपर से आप सेव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे हमारी जो चाट की सर्विंग है और भी अच्छी हो जाएगी और भी खाने में क्रिस्पी लगेगी हमारी चाट। ऊपर से फ्रेश कटा हुआ मैंने थोड़ा सा धनिया और डाल दिया है, क्योंकि इसकी जो कच्चे धनिए की खुशबू होती है वो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो चलिए, हमारी ये बॉयल्ड आलू की झटपट चाट बनकर बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई है। अगर आप सभी को मेरी आज की ये क्विक ईजी झटपट चाट की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल बटन। तो चलिए, आप सभी से इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा दोस्तों।